हेलो दोस्तों मैं सिमरन कॉलेजेस 18 की तरफ से और आज हम दोस्तों बात करेंगे मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जिसके एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों जिसे अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो सबसे पहले देख लें उसको ताकि समझ आ जाए कि आपको इस कॉलेज में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स मिलते हैं एम आई एम टी कॉलेज जिसमें अगर हम देखे जाए तो फोकस किया जाता है एम बी ए और एम बी ए प्लस प्लस जैसे हर एक कॉलेज आज के डेट में ऐसे कोर्सेस लाने की कोशिश करता है दोस्तों जो उनके नॉर्मल प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज से ज्यादा अच्छे होते हैं इसी तरह से एम आई एम टी में फोकस रहता है एम बी ए एम बी ए प्लस प्लस के लेकिन बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या एम बी ए और एम बी ए प्लस प्लस में डिफ्रेंसेस क्या हैं और अगर डिफरेंस है तो सिर्फ सर्टिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन के हैं या उसमें उनकी फीस के अकॉर्डिंग वो आपको कितनी चीजें सिखाते हैं जैसे कि अगर हम बात करें एम बी ए की तो नॉर्मल एम बी ए तो कोई भी कॉलेज करवा देता है जिस तरह से हम एम बी ए प्लस प्लस की बात करें तो यहाँ पे आपको लैपटॉप आई आई एम बैंगलोर के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके साथ 18 से भी ज्यादा सर्टिफिकेशन और जुड़े हुए हैं सो so, यानी कि ये बेसिस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली चीजें सिखाता है दोस्तों जैसे कि अगर हम कुछ ट्रेनिंग ऑफरें की बात करें एमबीए प्लस प्लस में तो देर इज अ सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बेस्ड केस स्टडीज सर्टिफिकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन इन स्टॉक मार्केटिंग बाई बी एस सी एंड एन एस सी कारपोरेट ग्रूमिंग वर्कशॉप स्पोकन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल विजिट्स एज पर योर स्पेशलाइजेशन दोस्तों जिसमें कि मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशंस, मैनेजमेंट बिजनेस एनालिटिक्स जैसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशम एमबीए और एम प्लस प्लस दोनों में ही है और अगर हम इनकी मोस्ट रिक्रूटमेंट कंपनीज की बात करें जो सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ से लेके जाती है जैसे कि ओपो कार देखो एक्सिस बैंक आर्कटिक, कोका कोला ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं दोस्तों 250 प्लस कंपनीज हैं जो यहाँ पे एम और एम बी प्लस प्लस दोनों ही बच्चों को रिक्रूट करने के लिए आती हैं और मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि चाहे आप एम प्लस प्लस करें या एम डिग्री आपको एम का ही मिलता है दोस्तों क्योंकि इस टाइम पे अगर हम इस कॉलेज की रैंकिंग की बात करें तो इन्हें काफी सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इट हैजाला एंड आई एम आर बी इंटरनेशनल एजुकेशन सर्वे जिसके दोस्तों अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो एमबीए का जो मिनिमम पैकेज है वो फोर लैक्स का गया हुआ है वेर एज अगर हम एमबीए प्लस प्लस के मिनिमम पैकेज की बात करें सो दैट इज 5.5। और वहीं अगर हम हाईएस्ट को कंपेयर करें तो MBA में हाईएस्ट इस टाइम पे सिक्स लैक्स का है, वैराज़ MBA प्लस प्लस में हाईएस्ट पैकेजेस आपका फौर्टीन एलपीए है, जो ये कॉलेज क्लेम करता है दोस्तों, और साथ ही MBA प्लस प्लस का फीस भी MBA से ज़्यादा है, टैटेस फोर लैक एटी थाउज़ेंड और MBA का टू लैक सेवेंटी थाउज़ेंड तो वैसे मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पास या एम और पी है या फिर एम और एम प्लस प्लस जैसे प्रोग्राम्स हैं जो एम बी से थोड़ा सा ऊपर प्रायोरिटी पे रहते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन जो आपके बाद में दोस्तों सीवी में ऐड हो सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना बजट देखना होगा कि आपका बजट क्या है एक पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए अगर आपका बजट आपको लगता है कि दो लाख से ढाई लाख तक का ही है तो आप यहाँ पे एमबीए कर सकते हैं एंड इफ इट इज मोर देन टू पॉइंट फाइव देन यू कैन गो फॉर एमबीए प्लस प्लस दोनों ही कोर्सेस के लिए इजीली आपको यहाँ पे लोन फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए इजी हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ ये था आज का मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का रिव्यू जिसमें एम और एम प्लस प्लस प्रोग्राम है इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या कि किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप हमें नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हमारे काउंसलर्स आपको कनेक्ट करके सारा डिटेल दे सके और आपकी मदद कर सके आपके लिए बेस्ट कोर्स चूज करने का तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू